सुपरफास पंजाब वेखन वाले साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरा आसानी और बुलेटिन करते हैं फटाफट खबरों का आगाज। अज तो खुलिया श्री करतारपुर साहब का लांघा, डेरा बाबा नानक तो श्रद्धालुओं का पहला जत्था करतारपुर रवाना। 49 श्रद्धालु करेंगे श्री करतारपुर साहब के दर्शन। कोरोना हदायतां रखा जाएगा ध्यान, 19 तारीख को पहली पातशाही के प्रकाश पुरब तो पहला लांघा खुलण नाल श्रद्धालुओं के विच उत्साह। अज खुलिया श्री करतारपुर साहब का लांघा, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारत सरकार वालों लांघे खोलण के फैसले का किया स्वागत। पीएसजीपीसी ने कहा कि पाकिस्तान के पवित्र स्थानों से आना सिखां दा मूल अधिकार, जिथे श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल बिताए, सिख श्रद्धालुओं को उस स्थान के दर्शन करने का मौका मिले। पीएसजीपीसी ने कहा कि करतारपुर गलियारे से राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुड़ लांघा खोलने के फैसले नाल आने वाले दिनों में दोहां देशों विचाले संबंध होर मजबूत होने की कही गल। करतारपुर लांघा खुलण के चलद लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने डेरा बाबा नानक चेकपोस्ट का किया दौरा, ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन कस्टम से बीएसएफ ने की गलबात। सिख श्रद्धालुओं जत्था जाएगा पाकिस्तान, श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने लिए रवाना हो रहा जत्था। अटारी सरहद राही पाकिस्तान जाएंगे श्रद्धालु, श्रोमणी कमेटी वालों भेजे गए 1040 पासपोर्टों 855 श्रद्धालुओं को भी मिले ने वीजे। पाकिस्तान विचले गुरधामा के दर्शन करेगा जत्था, 26 नवंबर जत्थे की होगी मुल्क वापसी। कोरोना को लेकर पंजाब दियां बढ़ सकदियां ने मुश्किलां, एक रिपोर्ट मुताबिक पंजाब च इस महीने कोरोना मामलों जा सकता है वड्डा उछाल। रिपोर्ट मुताबिक 300% तक बढ़ सकते ने कोरोना केस, दिवाली तो बाद सूबे में 4.2% वधे ने कोरोना मामले। पंजाब में डीएपी खाद की किल्लत बरकरार, गिदड़बाहा में डीएपी ना मिलन करके भड़के किसान, नेशनल हाईवे नंबर 7 जाम करके केंद्र ते पंजाब सरकार खिलाफ की नारेबाजी। किसानों ने सियासी आगुआ ते भी लगाया इल्जाम, किसानों का इल्जाम डीएपी खाद की की जा रही है गलत वंड, किसानों ने सियासी आगुआ ते भी लगाया इल्जाम। सीएम चरणजीत चन्नी दे नाल 32 किसान जथेबंदियों की मीटिंग, चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन च हो रही है बैठक। गलबात दौरान किसान डीएपी खाद की घाट का चुकन के मुद्दा, झोनी की खरीद से खराब हुई नरमे की फसल से मुआवजे का भी मुद्दा चुकया जाएगा। किसान आगू मनजीत सिंह राय की किसानों को अपील, पंजाब सियासी पार्टी का विरोध ना किया जाए। मनजीत सिंह राय ने अपील करते हैं कहा कि सियासतदानों का विरोध छड़ दिल्ली वाल वधो, दिल्ली के बॉर्डर वाल वड्डी गिनती किसान करन कूच। छब्बी नवंबर दिते सदे मुताबिक किसान दिल्ली पहुंचन, दिल्ली के मोर्चा से किसानों की घट गिनती का दिता हवाला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2364 ईटीटी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया की रद्द, नियुक्तियों लिए बनाई मेरिट सूची भी की रद्द। विद्यक योग्यता लिए दिते 5 होर वाधू अंकों को दसिया गलत, लोगों को परेशानी होगी पर गलत प्रक्रिया मंजूर नहीं किया हाईकोर्ट ने। दलजीत कौर सने 18 लोगों ने दायर की पिटीशन, नियमों में वाधू अंकों की व्यवस्था न होने की कही गल, वाधू नंबर देने खारिज करने अपील की दायर। सीआईए जगराऊं पुलिस ने नजायज हथियार रखने वाले दो नौजवानों को किया काबू, मुलजमान तो 2 पिस्तौल 32 बोर से 6 जिंदा कारतूस किए बरामद। टूरी के कक्कड़वाल चौंक में आयल सेंटर तो घर जाती 2 लड़कियों टैंक से मारी फेट, दोवें कुड़ियां गंभीर जख्मी, पटियाला किया गया रेफर। बठिंडा के थाना नहियावाला में किसान से अपने खेत च पराली सड़न संबंधी केस दर्ज, दोषी किसान की पछाण दिलबाग सिंह वजो हुई। खन्ना में 7वां तनखा स्केल लागू न करने से तनखा स्केल यूजीसी नालों डीलिंग करने के विरोध, प्रोफेसरों वालों किया गया रोस प्रदर्शन, पंजाब सरकार से लगाया वायदा खिलाफी का इल्जाम।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜ ਰੁੱਖਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਰਾਓ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ।